जलम गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुलम अश्वत्थाम विकर्ण गोरमकरा दुर्योधनावर्तनी सोदीर्णा खलु पांडवैरण नदी कैवर्त का केशव शरम हरिकथा संबोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरवरः पीयमानं मुदा भूयात् भारतमङ्गलं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवये देवेशाङ्गपदक्रमोपनिषद् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। दो प्रकार का मनुष्य के स्वभाव का निरूपण किया, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति वाले के लिए एक शब्द प्रयोग किया था अभिजातस्य माशुचं दैवीकम् अभिजातस्य भारतम्, ऐसे कहा था ना। दैवी संपत्ति अभिजातस्य, जो जन्म लेता है उसी समय से उसके भीतर कुछ न कुछ गुण प्रकट होने लगते, क्योंकि वो पूर्व की साधना को इसे कहते हैं योग भ्रष्ट। तो पूर्व की जो साधनाएं होती हैं, जो दैवी संपत्ति होती है, वो जीव इस जन्म में लेके आता है। जब लेके आता है तो जन्म से ही उसकी चित्तवृत्ति में दैवी संपत्ति का आविर्भाव हो जाता है। तो अभिजातस्य जन्म से ही शुरू होता है। जैसे हम लोगों का आज का दिन ऐसा है कि हमारे श्रद्धेय स्वामी जी कुछ स्वामी सुबोधानंद का तो शरीर का पिता नहीं, वास्तव में सच्ची हमारी श्रद्धा सच्ची भावना। इसीलिए मंगलाचरण में तीन तरीके होते हैं ना, नमस्कार करके, स्तुति करके और तीसरा वस्तु निर्देशा। वस्तु निर्देशा उस तत्व का निरूपण करने के बाद, जब हम उस तत्व का निरूपण करते हैं, शास्त्र का निरूपण करते हैं, तो संत के प्रति वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि सच्ची भावना होती है। हम भाष करते हैं कहाँ तक हुआ था, उन्नीस एक बार तान हम दुष्टा क्रूरान तान हम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान संसारेषु नराधमान शिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरिष्येव योनिषु आसुरिष्येव योनिषु आसुरिं योनिमापन्नान् आसुरिं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मूढा जन्मनि जन्मनि
मम गतिम ततो यान्त्यतमांगते। एक सातवें श्लोक से अठारहवें श्लोक तक, ये बारह श्लोकों में, सातवें से अठारहवें तक ये बारह श्लोकों में आसुरी संपत्ति का लक्षण क्या है उसका निरूपण किया है। और उन्नीसवें श्लोक में जो आसुरी संपत्ति वाले होंगे उनकी गति क्या होगी इसका निरूपण है। तो उन्नीसवां और बीसवां श्लोक आसुरी संपत्ति वालों की गति का निरूपण है। ऐसे आसुरी संपत्ति वाले लोग जो परमात्मा से भी द्वेष करते हैं, सारे जगत से द्वेष करते हैं, क्रूर कर्म करते हैं, नर हैं लेकिन नरों में उनका अधम स्वभाव है, नराधम, नराधम माने है मनुष्य लेकिन मनुष्य में भी अधम उनकी चित्तवृत्ति है, ऐसे लोगों को अजस्रम अवशुभान आसुरीश एव शिपामी। ऐसे जो निरंतर प्रवाहित होने वाला आसुरी अशुभ योनियां होती है उसी योनियों में मैं उनको भेज देता हूँ, जैसा उनका यहाँ स्वभाव है उसी जगह पर जाओ, जिस तरीके का स्वभाव है उसी जगह पर जाओ और जाओ उसी तरीके से अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हो। तो आसुरिम योनिम आपन्ना, ऐसे मूढ़ लोग, मूढ़ा या मूढ़ा संबोधन है, ऐसे मूढ़ लोग आसुरी वृत्ति वाले आसुरिम योनि आपन्ना आसुरी योनि को प्राप्त कर लेते। आसुरी योनि वही जो पहले कहा था व्याघ्र आदि, सिंह आदि, स्थावर आदि, क्रूर कर्म करने वाले ऐसे आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं, आपन्ना माने प्राप्त करते हैं। अच्छा फिर एक बार प्राप्त कर लेंगे तो अगली बार तो बढ़िया हो जाएंगे, अरे नहीं जन्मन जन्मन बार बार जन्मन जन्मन पुनः पुनः वो आसुरी योनि को प्राप्त करेंगे। माम अप्राप्य एव कौन्ते, हे कौन्ते, ऐसे आसुरी वृत्ति वाले लोग, आसुरी संपत्ति वाले लोग माम अप्राप्य, मुझको प्राप्त नहीं करेंगे। जब परमात्मा को नहीं प्राप्त करेंगे तो बार बार जन्मेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, ततो यान्ति यान्ति चले जाते हैं, अधमाम गति अधम से अधम गति में जाते हैं, उनके ऊपर उठने का ऊर्ध्व विकास का रास्ता ही एक तरीके से बंद हो जाता है, उसी में बार बार असुरी योनि में बार बार चक्कर काटते रहते हैं। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हो गए, अगले जन्म में फिर रावण कुंभकर्ण हो गए, फिर अगले जन्म में शिशुपाल और तो शिशुपाल भी तो भगवान से द्वेषी कर रहा है, तो ये बार बार उसी योनियों में चक्कर काटते रहते हैं। आसुरी योनि, आसुरी योनि को आपन्ना प्राप्त करके मूढ़ा ऐसे आसुरी संपत्ति वाले जन्मन जन्मन बार बार जन्मते हैं और मरते हैं और मां अप्राप्य उसको प्राप्त नहीं कर पाते और अधम गति में ही जाते रहते हैं। आसुरी योनि आपन्ना प्रतिपन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मन, कह रहे आसुरी योनि, आसुरी योनियों को ही आपन्ना माने प्रतिपन्ना प्राप्त करते हैं मूढ़ा मूर्ख लोग, आसुरी संपत्ति वाले जन्मन जन्मन बार बार जन्मते मरते हैं। कौन है ऐसे लोग, ऐसे लोग है कौन, अविवेकिनः प्रतिजन्म तमो बहुलासु एव योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तो मूढ़ा। सबसे पहले तो इनका विवेक जगा नहीं है, अविवेकी और अविवेकी है तो प्रतिजन्म जहां भी जन्म लेते हैं इनके जीवन में तामो गुण ही छाया रहता है। वो क्या कहते हैं, एक तो तीखी लौकी दूजे नीचे, एक तो अज्ञान है अविवेकी है, और अविवेकी अगर कोई है और विवेक के लिए प्रयास करे, ज्ञान के लिए प्रयास करे तब तो कभी न कभी आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये अज्ञानी लोग जहां जन्म लेते हैं वहां पर इनके जीवन में बचपन से ही तमोगुण छाया रहता है। तमो बहुलासु, तमो गुण तमो माने अंधकार के रूप में, सुझल ही नहीं पड़ता, बचपन से ही मारो काटो उसी में लगे रहते हैं। ये वो जन्माना ऐसे ऐसे तमो तमो वाले ही गुण में ही उनका जन्म बार बार होता है।
गच्छन तो मूढ़ा, यानी बार बार नीचे जाते। इसको समझना क्या हुआ, यहाँ जो बता रहे हैं कि जैसे मनुष्य का शरीर है, शरीर मनुष्य का, और इस मनुष्य के शरीर में वो आसुरी संपत्ति वाला हो गया, अहंकारम बलम दर्पम, पूरा आसुरी संपत्ति वाला हो गया। तो ये शरीर छोड़ा, ये शरीर छोड़ा, इस शरीर को छोड़ने के बाद कोई ना कोई ऐसा जगह पर जाके उसको जन्म मिल गया, तो क्रम से जाएगा ना, जैसे क्रम से आते हैं वैसे क्रम से जाते हैं। तो एक ब्रह्म सूत्र में आए कि जैसे क्रम से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते हैं, तो इसी शरीर में कोई ना कोई फिर से एक मनुष्य का शरीर मिलेगा उस आश्रय संपत्ति वाले को, लेकिन वहां उसको घोर नरक के जैसे दुख मिलेगा, घोर नरक के जैसे दुख मिलेगा, अजश्रम अशुभान। जैसे मान लो कोल भील के यहाँ जन्म हो गया, हाँ, ऐसे ऐसे परिवार में जन्म हो गया जहाँ खाने पीने को भी ठीक से बीमार हैं, या इस पर वहां तक जन्म हुआ, फिर वहां से वो तमोगुण में उसका जीवन पड़ा रहा, तमो बहुला मन में तमो रहा, वहां से भी ज्ञान के मार्ग पर नहीं पड़ा, फिर उसका अगला जन्म जा करके फिर अब कोई पशु योनि जाएगा। फिर पशु योनि में भी हमने कल कहा था श्रेष्ठ भी है और कृष्ठ भी है, ऐसे ना, तो पशु योनि में भी गया बाघ आदि बना, भगवान भास्कर ने व्याघ्र का नाम दिया, शेर आदि बना, वहां भी तमोगुण छाया हुआ है। फिर उसका शरीर छूटा तो अब और नीचे गया, अब कौन सा बना, बोले सियार रगड़बग्घा आदि बना। फिर और छूटा तो अब गया कहाँ पर, बोले अब बिल्ली आदि बनेगा। फिर अब और कहाँ गया नीचे, तो अब गया कहाँ पर, छिपकली आदि बनेगा, क्रम से। और फिर अब नीचे गया, फिर शरीर छूटा तो कहाँ जाएगा, फिर उससे और ज्यादा छोटे जीव है, चींटी मकोड़ा आदि बनेगा। फिर और छूटा तो कहाँ गया, बोले गंदी नाली का कीड़ा। तो अब देखो क्रम से नीचे गया ना, तो जैसे क्रम से आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो, ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी आश्रय संपत्ति वाला बार बार नीचे की तरफ जाता है। इसीलिए कह रहे प्रति अभिवेकी प्रति जन्म तमो बहुलासु, जब जन्म लेता है तो तमोगुण में छाया रहता है, ऐसे तामसिक योनियों में ही योनिसु जायमाना अधो गच्छन्ति, अधा माने नीचे नीचे की तरफ लगातार जाता रहता है। मूढ़ा माम ईश्वरम अप्राप्य, मुझ ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता, अनासाध्य मुझ परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। हे कौन्तेय तथा तस्मात् अपि यान्ति माम निकृष्टतमां गतिम्, इसलिए तस्मात् अपि, क्योंकि मुझको प्राप्त नहीं करता, इसलिए यान्ति चला जाता है अधमाम निकृष्ट, बड़े निकृष्ट निकृष्ट गतियों में वो जीवन जाता है। अब हम लोगों के यहाँ जहाँ भी नाला होता है बहुत सारे कीड़े होते हैं, एक ही तरह के कीड़ा नहीं होते होंगे नाले में, गंदा नाला जो होता है उसमें एक ही तरह का कीड़ा नहीं होता, उसमें भी सैकड़ों प्रजातियां होंगी ना, उस नाले में भी सैकड़ों तरह की प्रजातियां होंगी, उसमें कोई मेंढक भी होगा, कोई ना कोई छोटा सा जीव भी होगा, कोई ना कोई और छोटा सा जीव होगा, उससे भी छोटा बजबजाने वाला, उसमें किरकिर करने वाला होगा। अब इन्हीं बार बार योनियों में जीव जाता आता रहता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, भगवान भाष्यकार के कहने का मतलब होता है एक पूरा आगे, माम अप्राप्य एव इति न मत प्राप्तो काचित अपि आशंका अस्ति, अतो मत शिष्ट साधु मार्गम अप्राप्य इत्यर्थः। यहाँ पर भगवान ने श्लोक में लिखा ना माम अप्राप्य, मुझको प्राप्त नहीं करते ये लोग, तो उसको करें माम अप्राप्य, जो भगवान ने कहा कि ऐसे लोग मुझको नहीं प्राप्त करते। यहाँ एक शब्द और है माम अप्राप्य एव, एव शब्द है ना, तो एव इतना मत प्राप्त, एव कार कहने मुझको कोई प्राप्त नहीं करता, जो एव शब्द लगाया उस पर एक शंका हो गई कि ना मत प्राप्त हो काचित अपिया शंका, फिर तो आपको कोई भी प्राप्त नहीं करता होगा, क्योंकि आप तीन लोग के स्वामी हैं, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम, आप ऐसे हैं तो आपको तो कोई नहीं प्राप्त करता होगा, क्योंकि एव लगाया ना माम अप्राप्य एव, तो ये शंका ना हो जाए, इस आशंका को निवारण करने के लिए कहते हैं अतो मत शिष्ट साध मार्गम, अतो मत शिष्ट साध कर्म,
जो मैंने दैवी संपत्ति वाला रास्ता बताया है, जो मैंने दैवी संपत्ति वाला बताया उसी मार्ग पर अगर कोई चले तो वो मुझको परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अतो मत शिष्ट साधु मार्गम अप्राप्त्यर्थः, यहाँ मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये होगा कि परमात्मा की प्राप्ति होती, मत समझ लेना कि परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त करता, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति आसुरी संपत्ति के मार्ग से नहीं होती। मत शिष्ट साधु मार्गम, मेरे द्वारा जो उपदेश दिया हुआ दैवी संपत्ति वाला मार्ग है, ऐसे आसुरी संपत्ति वालों को मार्ग ही नहीं मिलता जिससे वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर माम अप्राप्त जो शब्द है ना, माम माने मुझको, तो यहाँ अर्थ है कि परमात्मा तक पहुंचाने वाला जो मार्ग है दैवी संपत्ति का, वही ऐसे आसुरी वालों को प्राप्त नहीं। अब ऐसे समझ लो ना, जैसे कहा ना, दुर्लभं त्रैदेव तद दैव अनुग्रह हेतु का मनुष्यत्वम महापुरुषत्वम। तो ये सत्संग आज का मौके नहीं मिलता उनको, शास्त्र श्रवण का मौके नहीं मिलता। अभी अपने समाज में ही, अभी स्वामी जी कब कह रहे थे कि अपने ही हरिद्वार जैसे ऋषिकेश जैसे स्थान में सत्संग की कमी है, शास्त्र का जो है स्वाध्याय आपकी कमी है, तो ये मार्ग ही नहीं प्राप्त होता। तो मत शिष्ट साधु मार्गम अप्राप्त, मेरे द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग बताया है उन लोगों के मार्ग ही प्राप्त नहीं होता, और मार्ग ही प्राप्त नहीं होता तो बार बार फिर परमात्मा तक भी नहीं पहुंचते, भटकते रहते। तो इसलिए दैवी संपत्ति पर चलना। अब ये अगला जो चार श्लोक है इसका जो है संगति लेते हैं भगवान दास का, खास करके दो श्लोक का। सर्वस्य आसुरिया संपदा संक्षेप अयम उच्यते, सर्वस्य ये जो 12 श्लोक में आसुरी संपत्ति का वर्णन किया था, 7 में से 18 तक, 19वां 20वां था कि जो आसुरी वाले होंगे उनको गति क्या प्राप्त होगी, आसुरी उनमें रहेंगे। तो ये जो 7वें से 18वें तक जो लक्षण बताए थे वो सब आसुरी संपत्ति हो गए। सर्वस्य आसुरिया संपत्ति, वो आसुरी संपत्ति संक्षेप अयम उच्यते, वो सबको संक्षेप में 3 शब्दों में यहाँ बोला जाएगा। सब का मूल ये 3, जैसे जैसे कोई पेड़ होता है उसकी एक शाखा होती है, उस एक शाखा से फिर 5 निकलेगी, फिर 5 से 50 निकलती है, ऐसे अब आपने तना पढ़ा ली, तो सारे दोषों का, दोष तो ढेर सारे बनाए थे वहां पर, सारे दोषों का यहाँ संक्षेप में 3 में ला करके समझ लेंगे। कहते हैं यस्मिन् त्रिविधे सर्वः आसुर संपद भेदः अनंतः अपि अंतर्भवति, यस्मिन् त्रिविधे आगे जो बताया जाएगा उन्हीं 3 दोषों में सर्वः आसुर संपद, सारी की सारी आसुरी संपत्ति उसी 3 में समझ आती है। यस्मिन् त्रिविधे आगे कहे जाने वाले जो 3 होंगे उन 3 दोषों में 3 संपत्तियों में सर्व आसुर संपत्ति सारी आसुरी संपत्ति का उसी में समापन हो जाता है। वो 3 हैं भेदः अनंतः अपि अंतर्भवति, चाहे जितना आप उसके भेद प्रभेद कर लो, गाली देता है, परुष वचन बोलता, गाली देता है, कड़वा बोलता है, या वो मारता है, क्रूर कर्म करता है, चाहे जितना भेद कर लो सब 3 में जाके समझ अंतर्भवति। भेदः अनंतः, अनंत भेद होने पर भी अंतर्भवति, सब इन्हीं 3 में समाहित होता है। यत् परिहारेण परहिता, चलो अगर 3 को हटा दिया जावे, यत् परिहार माने 3 को हटा दिया जावे तो सारे आसुरी संपत्ति सब का सब, वही जैसे तना को काट दो तो सारी शाखाएं उसकी गिर जाती हैं। यत् मूल सर्वस्य अनर्थस्य तद्येतत् उच्यते, तो जो या तो जो मूल सर्वस्य अनर्थस्य, जो सारे अनर्थों का मूल है, अब उसको भगवान कहते हैं। वो 3 जो हैं वही मूल हैं, ये 3 से फिर बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, भेद होता है, बहुत प्रसिद्ध है गोस्वामी जी ने इसका जो कत्यो अनुवाद किया। त्रिविधं नरकस्येदं, त्रिविधं नरकस्येदं,
द्वारं नाशनमात्मनः द्वारं नाशनमात्मनः कामा क्रोधस्तथा लोभ कामा क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजे तस्मादेतत्रयं त्यजे इदं त्रिविधं नरकस्य द्वारं एक तीन नरकस्य द्वारं नरक के द्वार हैं तीन नरक के द्वार और नाशन नाशनम आत्मना अपने आप का नाश करने वाले स्वयं का ही उद्धरेत आत्मना मानते से भगवान ने कहा था उद्धार नहीं बल्कि नाश करने वाले कौन काम क्रोध तथा लोभ इति तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजे तस्मात् इसलिए अबे अंतिम चरण में एतत् त्रयम् इन तीनों को त्याग देना सरल अर्थ है वो याद होगा सबको त्रिविधम त्रिप्रकारम नरकस्य प्राप्तौ इदं द्वारम देखो त्रिविधम माने तीन प्रकार का नरक नरक माने बार बार सुना काम माने सुख याद है ना काम सुखम काम माने सुख ना नकार दिया ना आगे जहां सुख बिल्कुल ना हुए जैसे कहा असुरिया असुरिया माने सूर्य माने सूर्य प्रकाश और असुरिया माने जहां प्रकाश का बिल्कुल नामो निशान ना हुए अंधकार छाया हुए उसी का नाम हुआ असुरिया उसी प्रकार से नरक माने जहां सुख का नामो निशान भी ना असुख नहीं होगा तो क्या होगा उसको उल्टा दुख तो त्रिपर प्रकारम नरकस्य तीन प्रकार से नरक को प्राप्त कराने वाले दरवाजे जैसे नरक के दरवाजे में प्रवेश कराने वाले तीन दरवाजे प्राप्तो इदं द्वार ये तीन द्वार से प्रवेश करते हैं कौन से द्वार नाशनम आत्मनो यही अपने आप को नाश करते हैं क्या करें यद द्वारं प्रविशन् एव नश्यति आत्मा कस्मैचित् पुरुषार्थाय योग्यो न भवति इति एतद् अपिच्यते द्वारं नाशनम् आत्मना इति ये नरक के द्वार द्वार क्यों कहा इसको द्वार क्यों कहा उसी को करें द्वारं प्रविशन् द्वार से आप कहीं ना कहीं प्रवेश करते हैं ना महल में एक द्वार से कहीं ना कहीं महल में प्रवेश करोगे तो ये तीनों दरवाजे कामना क्रोध और तीन दरवाजे कहां के नरक में तो अगर इसमें से प्राविशन एव नश्यति जैसे समझो क्या कहना चाह रहे हैं प्राविशन एव प्रवेश करते ये सब जो है कौन हाथी ताई वगैरह वाले में दिखाई दिखाते ना चंद्रकांता संतति हाथी ताई अनिल लैला वो सब में ऐसे जो है धीमे बताते नहीं दिखाते नहीं कि एक ऐसा दरवाजा गुफा है उस गुफा से जैसे प्रवेश करेगा तो नीचे अंदर सीढ़ी नहीं है उतरने का जैसे उतर जाएगा धड़ाम से गिर जाए ऐसे होता है ना जैसे अंदर गया दरवाजे से गुफा के दरवाजे से अंदर गया तो वहां धड़ाम से ऐसे जैसे जैसे पहाड़ पर है ऐसे बना हुआ है और उधर गया 100 फुट गहरी खाई बिल्कुल वैसे प्रविशन एव नश्यति प्रविशन एव यानी ये तीन दरवाजे से प्रवेश करते ही बिल्कुल गिरता है नश्यति कैसे आत्मा कस्मै चित पुरुषार्थाय योग्यो जब उसमें प्रवेश कर गया तो जैसे गड्ढे में गिर गया तो ऊपर निकलना मुश्किल है तो ऐसे ही आत्मस्वरूप को जानने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता आत्मज्ञान के मार्ग पर नहीं चल पाता इसके लायक नहीं रहता आत्मा कस्मै चित कोई भी जीव फिर जब एक तीन दरवाजे से प्रवेश कर गया नरक में तो पुरुषार्थाय आत्मज्ञान के लिए पुरुषार्थ करने के लायक ही नहीं वही चीज देखो मन की वृत्ति तो लगे ना कल ने समझाया कामना में आसक्ति होगी तो जिससे आसक्ति होगी उसका चिंतन करेगा फिर हमारे लिए गलत
हमारी वाली एक अलग क्यों रहती है, उसको क्यों मिस करते हैं? तो आत्मा कस्मैचित पुरुषार्थाय योगो थोड़ा वैल्यू बनाओ। आत्मज्ञान के प्राप्ति के लिए पुरुषार्थाय, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे, इसके योग्य फिर वो नहीं रहता। यही है इति एतद् अपृच्छते, इसीलिए यहाँ पर कहा गया द्वारम नाशनम आत्मनः, इसीलिए कहा गया कि अपनी आत्मा का नाश करने के ये धर्म। क्यों? कामना होगी तो आसक्ति होगी, आसक्ति जिससे होता है चित्त उसी का बार बार चिंतन करेगा। आप कहो ब्रह्म चिंतन करो, भगवत चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, और चिंतन किसका करेगा वो? जिससे आसक्ति है। तो जब आसक्ति वाले में ही उसका चित्त बार बार चिंतन करेगा तो ब्रह्म चिंतन का समय ही उसको प्राप्त। अच्छा क्रोध है, क्रोध है तो जिससे भी क्रोध है उसमें हिंसा है, द्वेष है, जलन है, आप बार बार उस शत्रु का चिंतन चलेगा आपके भीतर, आपकी चित्त वृत्ति क्रोध के कारण इतना दूषित हो गई कि वही शत्रु के जो जलन है उसी का बार बार चिंतन करो, मन बार बार घूम करके उसी में जावेगा। इसको मारूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका सारा सत्यानाश कर दूंगा, श्राप दे दूंगा, भस्म हो जावेगा। तो आपकी चित्त वृत्ति वहां रहेगी तो परमात्मा का चिंतन कब करोगे? लोभ है, लोभ है तो लोभ में तृष्णा है, तो कहते हैं लोभ में जब तृष्णा बढ़ जाएगी तो वो थोड़ा और ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब उस लोभ की वस्तु को पूरा करते करते मेरा पूरा का पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो आत्मज्ञान का फिर समय नहीं मिलेगा, कब चिंतन करेगा, कब भक्ति करेगा। इसलिए कहा कि ये तीनों कामना क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं और अपनी आत्मा का नाश करने वाले। किम तब काम क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत् त्रयम्, कामना क्रोध और लोभ, इसलिए एतत् त्रयम् इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यत् एतद् द्वारम् नाशनम् आत्मनः तस्माद् कामादि त्रयम् एतत् त्यजेत्। त्याग स्तुति यम, देखो एक शब्द में कहिए यत् एतद् द्वारम् नाशनम्, चूंकि जो ये अपनी आत्मा का नाश करने के दरवाजे हैं, एतद् द्वारम् एक द्वार है, नाशनम् आत्मना अपनी आत्मा का नाश करने के द्वार है, तस्मात् इसलिए कामादि त्रयम् एक कामना आदि तीनों को एतद् त्यजेत् त्याग देना चाहिए। वास्तव में इस पूरे श्लोक में त्याग की स्तुति है, त्याग स्तुति यम पूरे श्लोक में। तो भाष्कर ने अंत में कह दिया त्याग स्तुति, जीवन में आप त्याग करते हो तो आप परमात्मा की तरफ बढ़ते हो, त्याग स्तुति यम, ये पूरा का पूरा श्लोक त्याग की स्तुति है। जैसे कहा ना त्यागे एकेन अनृतत्वम आशुष, तो किसका त्याग करें, किसका त्याग करें, वही कामना क्रोध लोभ अहंकार वो सब दैव आसुरी संपत्ति जितनी है उसका त्याग करें। जब इसका त्याग कर देंगे तो क्या होगा? नीचे का स्तुति हे तैर विमुक्ता कौन्तेय, हे तैर विमुक्ता कौन्तेय, तमो द्वारै स्त्रिभिर् नरः, तमो द्वारै स्त्रिभिर् नरः, आचरत्यात्मनः श्रेयः, आचरत्यात्मनः श्रेयः, ततो याति परा ततो याति परां गतिम्। तमो द्वारै त्रिभिः नरः, ये तमो गुण रूपी जो द्वार हैं ती काम क्रोध और लोभ, इनसे एतैर्विमुक्ता नरः, इनसे जो अलग है, एतैर्विमुक्ता इनसे जो बच गया, हे अर्जुन इनसे जो बच गया, तमो गुण रूपी तामसी का द्वार, ये जो तीनों हैं इनसे जो बच गया वो क्या करेगा? आचरति,
अब उसका व्यवहार कैसा होगा? बोले श्री आत्मना श्रेया, आत्म कल्याण के लिए। यानी अब इन तीनों से बच गया तो जाएगा किधर? दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति में जाएगा तो श्रवण करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, स्वाध्याय करेगा, तो श्रेय कल्याण के लिए। और जब इस मार्ग पर चलेगा तो ततो याति, तो कभी ना कभी वो परम गति को प्राप्त कर लेगा। इस मार्ग पर चलेगा तो परम गति को प्राप्त कर लेगा। ये तई विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारै, यहाँ तक तो श्लोक है एतई, इन सारे से विमुक्ता, जो विमुक्त हो गया हे कौन्तेय अर्जुन, तमो द्वारै तामसि गुरु, तामसो नरकस्य दुख मोहात्मकस्य द्वाराणि कामादय तई एते। त्रिभि विमुक्तो नर आचर के अनुतिष्ठति। देखो ये तीनों जो हैं तामो गुण के द्वार, ताम में अंधकार में ले जाने होते हैं। तमस क्या है? जो श्लोक में तमस शब्द लिखा है ना, श्लोक में तम लिखा है, तो तम को अर्थ क्या होगा? तो ऊपर के श्लोक से संगति होगा। ऊपर के श्लोक में कहा था नरक में जाने, तो भगवान भास्कर कहे यहाँ जो इस श्लोक में तम लिखा है वो नरकस्य, यानी वही नरक में ले जाने वाले हैं। तमोगुण अज्ञान में, जहां अंधकार ही है उस नरक में ले जाने वाले हैं। अच्छा नरक क्या है, वहां क्या होगा? तो अगला सब दुख मोहात्मकस्य द्वाराणि, यानी वहां पर गया तो दुख होगा और मोह में जीवन पर्यंत पड़ा रहेगा, यही उसके द्वार है। जैसे कहा नरक के द्वार, तो नरक के द्वार माने जीवन में दुखी और मोह में पड़ा हुआ और जीवन खत्म हो जाएगा, यही है। कामादया, कामादया माने काम क्रोध और लोभ, ये तीनों। तई एतई त्रिभि विमुक्तो, जो ऐसा कोई साधक है इन तीनों से विमुक्त हो गया, नर आचरति, मनुष्य कोई ऐसा हो कि इन तीनों से अलग होकर के अनुतिष्ठति साधना करे। किम, कौन सी साधना करे, कौन सी साधना करे? किम आत्मना श्रेयो यत् प्रतिबद्धा पूर्वम न आचरति। देखो थोड़ा सा इस पंक्ति पर थोड़ा ध्यान देना तो समझ में आएगा। आत्मना श्रेय, अपनी आत्मा के कल्याण का जो उपाय है, आत्म कल्याण का उपाय क्या है? वही विवेक, वैराग्य, समाधि, सकल संपत्ति, मोक्षोत्तम, ये बहिरंग साधन है। अंतरंग साधनों का श्रवण, मनन और निधिध्यासन है ना, ये साधन जो करता है। तो आत्मना श्रेय यत् प्रतिबद्धा, ये जो आत्म कल्याण का जो मार्ग है, पूर्वम न आचरती, पहले इस मार्ग पर नहीं चलता। क्यों क्यों नहीं चलता था? कि उसके मन में तमोगुण था, दोष था, उसके भीतर अविद्या थी, वो कामना क्रोध आदि था, इस कारण से इस मार्ग पर नहीं चलता था। तो आत्मना श्रेय यत् आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने का जो मार्ग है, पूर्वम न आचरती, पहले नहीं चलता था, लेकिन अब तद अपगमत, जब ये तीनों का त्याग कर दिया, तमोगुण का त्याग कर दिया, आश्रित संपत्ति का त्याग कर दिया, तब तद अपगमत आचरती। नहीं समझा वो पंक्ति देखा ना, इसलिए ये पंक्ति इसी तरीके से है। तद अपगमत, तद माने ये तीनों दोष नरक वाले, तमोगुण, तद अपगमत, अपगमत माने निकल जाना, इनका त्याग करने के बाद जब इनका त्याग हो गया तो आचरती। यानी ये आत्म कल्याण का जो मार्ग है उस पर पहले नहीं चलता था। क्यों नहीं चलता था? क्योंकि काम क्रोध आदि में फंसा था, और पल अपकमा, जब इसने सत्संग आदि सुना और इसको किनारे कर दिया, तब आचरति श्रेय मार्ग पर चलने लगता है। अच्छा जब श्रेय मार्ग पर चलेगा तो ततः तद आचरणा, जब ये श्रवण मनन निधिध्यासन आदि करेगा तो याति पराम गति मोक्षम, तो पराम गति मोक्ष को कभी न कभी, मोक्षम अपि इति, यही अर्थ है, वो परम गति को मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसलिए सिद्धांत है तस्मात् एतत् त्रयम् तिष्ठति, यहाँ का इस सूत्र है तस्मात् एतत् त्रयम् तिष्ठति, ये तीनों को त्याग देना चाहिए। क्या करें, पूरा करें?
यहाँ पर अगला दो श्लोक जो है अगले अध्याय का जो है एक तरीके से भूमिका है, सत्रहवें अध्याय की भूमिका है। भगवान ने कुछ ऐसी साधकर बात कह दिया जिससे जो है अगला अध्याय शुरू होता है। यहाँ पर ये पूरा हो गया, ये दो श्लोक का प्रसंग पूरा हो गया। इस पहले दो श्लोक का प्रसंग था 1920 का गति का आश्रय संपत्ति का, फिर ये दो श्लोक एक तरीके से उपदेश है, आदेश है। अब इसके बाद का जो श्लोक है देखो इसकी संगति लिखते हैं, सर्वस्य एतस्य आसुर संपत्ति परिवर्धनस्य श्रेय आचरणस्य च शास्त्रम कारणम। करे सर्वस्य एतस्य, ये जितना कुछ अभी तक बताया गया, क्या बताया गया, आसुर संपत्ति, आसुरी संपत्ति की जितनी बात बताई गई, ये सब का सब परिवर्जनस्य, इनको त्यागने के लिए श्रेय आचरण से और श्रेय मार्ग पर दैवी संपत्ति पर चलने के लिए हेतु कौन है, बोले शास्त्रम कारण, शास्त्र ही कारण। भाई शास्त्र ही तो बताता है ना, निषेध ये मत करो और विधि ऐसा तुमको करना है, तो शास्त्र ही तो बताता है। तो ये अशुभ मार्ग से बचने के लिए और शुभ मार्ग पर चलने के लिए दोनों का कारण कौन सा हो गया हमारे, ये शास्त्र बहुत, इसीलिए अपने यहाँ पर प्रमाण हमारा वेद है, हमारा प्रमाण मूल रूप से हम वेद को मानते हैं। एक प्रकार से कह सकते हो कि हमारे लिए ईश्वर भी एक किनारे पर है, हमारे लिए प्रमुख स्थान किसका है, वेद। हमने कहा था ऐसे शायद कि जो वेद को नहीं मानता उसी को हम नास्तिक कहेंगे, जो वेद को मानता है वो हमारा है अस्तित्व, नास्तिको वेद निंदक है ना। और हमारे वेद को मानने वाले कुछ हमारे सनातनी ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, वेद को मानते हैं और ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन फिर भी हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म है। कौन, सांख्य दर्शन वाले और पूर्व मीमांसा, तो सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा ये दोनों हमारे आस्तिक दर्शन है, लेकिन ईश्वर को वो पूर्व मीमांसा बहुत देवता मानते हैं, अनेक देवता मानता है, कर्म का अनेक देवता को मानता है, बहुत सारे देवता हैं उनकी उपासना करनी चाहिए, और सांख्य दर्शन केवल प्रकृति और ईश्वर को। तो हमारे यहाँ पर मूल हमारा शास्त्र, शास्त्रम कारणम, शास्त्र प्रमाणात् उभयम् सत्यम् कर्तुम् न अन्यथा, शास्त्र को प्रमाण बुद्धि से मानने पर ही उभयम् सत्यम्, ये आसुरी संपत्ति से बचना और दैवी संपत्ति को लाना, इसको करने में आप समर्थ होंगे, ना अन्यथा और कोई उपाय नहीं, कम से कम विश्वास करो। अब किसी का गीता जी पर विश्वास हो तो गीता जी को उठा के पढ़ेगा, और गीता जी पर ही विश्वास ना हो तो कैसे पढ़ेगा, आप लाख समझाओ उसको, यही ना, जिस पर उसका दृढ़ विश्वास होगा, प्रमाण बुद्धि होगी, उनकी बात मानेगा, तो शास्त्र पर प्रमाण बुद्धि हो। या शास्त्र विधि मुसृज्य, या शास्त्र विधि मुसृज्य, वर्तते कामकारतः, वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिमवाप्नोति, न स सिद्धिमवाप्नोति, न सुखं न परां गतिं, न सुखं न परां। शुरुआत इसी श्लोक से होगा, यही प्रश्न बन जाएगा। यह माने जो कोई भी, भगवान का आदेश है, यह जो कोई भी शास्त्र विधि पुस्तृज्य, शास्त्र की विधि को छोड़ करके वर्तते काम करता, अपनी कामना के अनुसार ही जीवन जिए। हम लोग कई बार ये शब्द सुनते ना, शास्त्र अनुसार ही की मनमुखी गुरुमुखी की, ऐसे कहते हैं ना, मनमुखी की गुरुमुखी, गुरु की बात मानते हो कि अपने मन की, शास्त्र की बात मानते हो या अपने मन की, तो वर्तते काम, शास्त्र को छोड़ के और अपनी कामना के अनुसार करता है, पहले ना सिद्धि मवाप्नोति, वो फिर परम सिद्धि को नहीं प्राप्त करेगा। यहाँ पर जो सिद्धि का अर्थ होगा उसके भीतर अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, पात्रता नहीं होगी, योग्यता नहीं होगी, यहाँ सिद्धि की है वो लायक ही नहीं बन पाएगा,
और जब किसी चीज के लायक नहीं होगा तो उसको सुख कहां से, तो ना यहां सुखी और ना परामगति। अभी कल ही गुरु जी एक शब्द कह रहे थे, वो अमुक कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी काम के लायक, किसी काम के लायक माने जिंदगी भर बस केवल जो है जैसे सुअर पेट भरता इसे पेट भर लेगा कहीं ना कहीं, उसे पेट भरना तो गली का कुत्ता भी पेट भर लेता है उसमें, लेकिन किसी लायक नहीं होगा, यही हो गया ना। तो वो कैसा होगा, न्यास सिद्धि मे, सिद्धि का मतलब हुआ योग्यता, उसको किसी भी कार्य की योग्यता प्राप्त नहीं। अच्छा जब योग्य नहीं होगा तो इस लोक में न सुखम, योग्य नहीं तो सुख कहां से, तो इस लोक में नहीं तो आगे, बोले न पराम गति। जो शास्त्र की बात को छोड़ के अपनी मनमर्जी से चलता है ना तो योग्य होगा ना सुखी होगा और ना ही उसकी सदन गति होगी। यह शास्त्र विधि कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान कारणम विधि प्रतिषेध आख्यम उत्सृज्य त्यक्त्वा वर्तते काम कर्ता काम प्रयुक्ता सन। यह जो कोई भी शास्त्र विधि माने कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान कारण, शास्त्र तुमको बताता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तो बचपन से प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मातु पिता गुरु है, बड़े लोगों को अपने से श्रेष्ठ जनों को तू कहकर के बोलना भी अपराध है। तुम समझे नहीं, हम अपने पिता को माता जी को गुरु जी को अपने से कोई दादा जी को और छोटा बच्चा बोल देंगे तुम समझे नहीं, तो हमारे यहाँ पर एक बहुत खराब शब्द है, महाभारत में इसको समझाने के लिए कथा आई है, याद है किसी को, अर्जुन माधव है ना, अर्जुन माधव एक पूरी कथा है इस बात कि अपन अब अंग्रेजी भाषा में तो जो भी होगा यूं ही बोलना पड़ेगा ना, हमारे यहाँ पर आप शब्द है, आप भवान संस्कृत भाषा में भवान कहेंगे आप कहो, तो इतना है कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, वही तो शास्त्र तो देता है क्या विधि प्रतिषेधाख्यम, ये करो और ऐसा न करो, ये खाओ ऐसा मत खाओ, ऐसा बोलो ऐसा मत बोलो, और इसको कर दिया उत्सृज्य त्यक्त्वा छोड़ दिया, शास्त्र की मानते नहीं तो वर्तते काम कारता है, कैसा व्यवहार करता है काम कारता है काम प्रयुक्त जैसा मन अब से हमारा जैसा मन होगा। तुम लोग गंगा जी घर जाते हो ना तैरना, तुम तैरना था किसको किस बात करते हैं, तैरते भी होगे थोड़ा बहुत तैरते होंगे, हमको सुकर ताल में एक महात्मा ने खूब डांटा था, पहले हमारे भगत लोग नहीं जानते थे कि उसको तैरना आता है, याद है ना वही ओंकारेश्वर में सब जाने की ओंकारेश्वर में जान गए थे, जब तुम भी गए थे हम भी गए थे उस पार कुबेरी में भी कावेरी उसको कावेरी तो वहाँ पर जाने, तो अच्छा जब तैरोगे गंगा जी में तो पांव पीछे से फट फट हो गए कि नहीं, आगे से यूं कर रहे हो पीछे से पांव फट फट मछली जैसे करते हो ना, हम इसे सुकर ताल में तैर रहे थे जैसे बाहर निकले महात्मा ने दौड़ाया मुझको, ये 30 साल पुरानी बात होगी 25 साल, ठंडा लेकर के गंगा जी में पांव से मार रहा है इसे, गंगा जी को पांव से मार रहा है, हमने कहा मान ले तैर रहे और हमारा खूब डांटा था, उसके बाद से फिर हम तैरना जो है छोड़ ही दिए। तैरना भी गुरु जी बिना पैर चलाए भी होता है, अब पांव चलाया तो फिर गंगा जी को मारा वो निषेध है, तैरा जाता है वैसे भी। अच्छा अगर ऐसे भी तैरे और मुंह में लेकर के कुल्ला किया वो गलत है, प्रयास करने के लिए तैर लीजिए मगर बिना पैर चलाए आदमी तैर नहीं पाए, दो मिनट के लिए खाली कर सकता है, अब ऐसे अगर तैरेगा तो उसे मूल पानी लेकर के करता है, जबकि क्या है कि गंगा जी से लोटे जल लेकर के तो बाहर कुल्ला करो, दातुन करना है मंदन करना है तो बाहर करो, मुंह में भर करके बाहर पानी फेंक सकते हो, गंगा जी के अंदर कुल्ला करना बहुत बड़ी चीज है, ये है हमारा निषेध और विधि। तो बताओ
आप महात्माओं के लिए था कि जैसे महात्मा नर्मदा जी किनारे किनारे भ्रमण कर रहे हैं, नर्मदा जी के किनारे भ्रमण कर रहे हैं, है ना, भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा में ये सब नियम होता है कि अब आप अगर सवेरे शौच के लिए भी जा रहे हो तो ये नहीं कि झाड़ी में शौच करके आए और नर्मदा जी में हाथ धो लिया, ना, वो घोर अपराध है। आप लोटे में कमंडल में जल लो और बाहर जाओ, भले आप बाहर आकर के गंगा जी में धो, लेकिन नर्मदा जी में आकर के जो है अपनी गंदगी को धोना घोर अपराध है। अब ये सब विधि निषेध है। और बता दूं एक लाइन हो, बनारस के संग बनारस और प्रयाग ये दो जगह पर जो बहुत जो कर्मनिष्ठ हैं वो कितना विधि निषेध का पालन करते हैं, हम लोग वो पहले घर में नित्य क्रिया शौच में चले जाएंगे, उनका मलमूत्र अपने जहाँ पर जाते कर लिया, फिर वो नहा लेंगे, नहा करके गमछा लपेटे, गमछा होता है लाल लाल सा, गमछा पहन के फिर जाएंगे संगम में स्नान करने, काशी में स्नान। क्यों? क्योंकि अगर आप बाथरूम में गए हो तो वो गंदा गंदा वस्त्र लेकर के गंगा जी में आप जा रहे हो तो आपको दोष हो गया। इतना नियम पालन कौन करता होगा तुम लोगों? फिर दूसरे कुछ महात्मा होते हैं जो वो उनका है कि गंगा जी में स्नान कर लिए, स्नान करके बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो आप वो करते क्या, कपड़ा जाते गंगा जी को बढ़िया, वो कहते ये पाप, गंगा जी कोई आपके गंदे कपड़े धोने के लिए है क्या? अब बताओ ये विधि निषेध है, विधि निषेध मैं कल, अभी तो मैंने केवल गंगा जी का लिया है, पूरा बताएं तो बहुत कुछ होता होगा। तो जो इसको छोड़ करके वर्तते काम का जो मर्जी आए, चलो गंगा जी में आज हम तैरते हैं, मौज है, गंगा जी पाप धोने के लिए है, मैल धोने के लिए नहीं। हाँ, गंगा पाप धोने के लिए, मन का पाप धो, कपड़े तो मैल नहीं, तो मन मर्जी से जो कर अब तैरने अगर गए तो ये वाला तो पाप तो हो जाए, मतलब महीने भर का पुण्य तो गई भैंस। तो काम प्रयुक्तासन ना सा सिद्धि पुरुषार्थ योग्यता सिद्धि का अर्थ किया पुरुषार्थ योग्यता, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चारों पुरुषार्थ हैं उनको प्राप्त करने की योग्यता ही उसको प्राप्त हो, जो शास्त्र की विधि को नहीं मानेगा वो लायक ही नहीं, किसी लायक नहीं, जो जो किसी लायक ना हो उसी का नाम होता है नालायक, किसी लायक नहीं बना। अरे पहले महात्मा बोल रहे थे वो जो भागवत में आता है ना कि दक्षिण भारत में पैदा हुई भक्ति देवी, है ना, दक्षिण उत्पन्ना ब्रह्मणी देश, दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान हुआ, और गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण सिद्ध, ऐसा भागवत के श्लोक है। तो जब कर्नाटक की बात आई कि कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ तो उनका कर्नाटक माने कर्नाटक जहाँ लोग नाटक ज्यादा करे उसी का नाम हुआ क्या हमने कहा ये बढ़िया हिसाब ना अपि अस्मिन् लोके सुखम, ना अपि अस्मिन् लोके सुखम, ऐसे लोगों को इस लोक में भी सुख, ना अपि पराम प्रकृष्टां गतिं स्वर्गं मोक्षं, पर लोक में भी उनको प्राप्त नहीं होता, स्वर्ग आज भी नहीं मिलता। इसलिए तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुम् निहारसि इसलिए तुम्हारे लिए अर्जुन कार्याकार क्या करना है और क्या नहीं, इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। पहले लोग जाते थे ना काशी से जो है जैसे डंडा लगा गाय लगा,
कहाँ जाया करते थे? काशी। काशी में जाकर के प्रायश्चित पूछ लिया, तो पता नहीं कौन सा विद्वत समाज विद्वत परिषद काशी की जो पोथी होती पूछते थे तो बताते थे चार महीना का दंड, चार महीना भिक्षा मांगो, गली गली लाठी लगी है, फिर कुछ अनाज इकट्ठा करो, भंडारा करो तो तुम शुद्ध हो जाओ, ऐसे कुछ कहते हैं, छह महीना आठ महीना कुछ ऐसा बोला जाता था। तो एक कार्य कार्य और अकार्य ये दोनों में प्रमाण कौन हुआ? शास्त्र, अपना मन नहीं। तो अब शास्त्र प्रमाण है और आप कह दो कि हम तो शास्त्र जानते नहीं, ये बहुत लोग कह देते हम शास्त्र जानते नहीं, अनजान में तो भगवान भी माफ करते, बोले अनजान में भगवान माफ हो नहीं करते। जैसे बिजली है, बिजली का तार अनजान में छू जाएगा तो भी झटका तो हो, अनजान में भी कोई जहर खाएगा तो हो। तो ये कर्म का जो क्षेत्र है, जान अनजान की बात नहीं, इसलिए शास्त्र को जानो। शास्त्र ज्ञात, शास्त्र विधान ज्ञात, तो शास्त्र के विधान को पहले जानो और उक्तम जो उसमें कहा गया है वही कर्म का तुम यह अर्हसि, वही कर्म तुमको यहां करना है। ज्ञात्वा माने जानकर, अब इसके लिए शास्त्र को पहले जानना भी, ज्ञात्वा शास्त्र विधान, शास्त्र के नियम को जानो और जो उसमें कहा गया उक्तम उसी कर्म को करते रहना। तस्मात, तस्मात माने हमेशा, इसलिए तस्मात शास्त्रम प्रमाण, शास्त्र ही प्रमाण है किसके लिए? ज्ञान साधनम ते, तुमको अगर ज्ञान चाहिए तो शास्त्र ही प्रमाण है। ते माने तो तुम्हारे लिए, किस कार्य में? कार्य कार्य व्यवस्थित, कर्तव्य अकर्तव्य व्यवस्थायाम, क्या करना है और क्या नहीं इसकी व्यवस्था जाननी है तो शास्त्र ही हमारे लिए। शास्त्र में कोई बात कहेगी तो दुनिया चाहे तो कहे, रामायण में कई मत बता रहे क्या, साधु मत, वेद मत, लोक मत, ऐसे कुछ है, दोहा है, एक दोहा है भरत जी वाले प्रसंग में, वशिष्ठ जी वाले प्रसंग में, साधु मत, वेद मत, लोक मत, ऐसे कई मत। तो हमारे यहाँ पर शास्त्र मत माने वेद मत, इसको जानो और जान करके, अतो ज्ञात्वा माने बुद्ध्वा, इस शास्त्र को जान करके क्या जानो? शास्त्र विधान उक्तम, शास्त्र में जो विधान किया गया है किसका? विधि विधान शास्त्र, विधान शास्त्र विधान, विधि माने देखो शास्त्र में एक विधि है, किसका? विधान किया गया है शास्त्र के द्वारा, इस चीज को करना चाहिए शास्त्र विधान, इसको कर कुरिया, यहाँ पर कुरिया के पास में काम अपने आप समझ लेना, लिखना नहीं है काम है इसे। तो विधि माने विधान, विधान को जानना चाहिए किसका? शास्त्रेण विधानम, शास्त्र जो शास्त्र के द्वारा नियम बताए गए हैं उन्हीं को कुरिया करना चाहिए। फिर अगला आएगा ना कुरिया इति, निषेध हो गया, शास्त्र ने मना किया कि इस काम को करना, तो देखो शास्त्र विधानम कुरिया, शास्त्र के नियम के अनुसार करो, ना कुरिया नहीं करो, ये करो इति एवं लक्षण, इस प्रकार से इस लक्षण के द्वारा विधि निषेध के द्वारा तेन उक्तम जो शास्त्र में बताया गया है उसी को स्वकर्म यत तत्कर्तुम इहरसि, उसी को अपना स्वधर्म समझ के स्वकर्म समझ के यहाँ तुमको करना चाहिए। इस श्लोक में एक शब्द है इह, है ना, कर्तुम, इस श्लोक में अंतिम शब्द है कर्तुम धन इह धन अर्हसि, तो ई शब्द है, ई मतलब क्या? ई है इति, ई है इति कर्म अधिकार भूमि प्रदर्शनार्थम इति, जो ई शब्द है वो जहां मनुष्य को कर्म करने का अधिकार मिला है वहीं पर विधान माना है, जहां कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। अब शेर को आप विधान बताओ कि तुम शाकाहारी हो जाओ, शेर के लिए कोई विधान है? सांप के लिए कोई विधान है? नदी के जल के लिए कोई विधान है? तो असुर के लिए कोई विधान है? तो यह है जहां पर जीव को कर्म का अधिकार है कि आप ये भी कर, आप दाएं भी जा सकते हो बाएं भी जा सकते हो, वहीं पर आपके लिए नियम होगा कि बाएं चलो दाएं से मत रहो।
जहाँ कर जहाँ स्वतंत्रता है आपको कि आप इसको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, इस पेड़ को लगा भी सकते हो, उखाड़ भी सकते हो, वहीं पर विधान होगा कि तुलसी का पेड़ लगाओ और बबूल का पेड़। ये नहीं कि तुलसी का पेड़ उखाड़ के सब खेल लाओ जंगल में, ये नहीं, ये विधान नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा गड़बड़ हो जाता है, तो फिर क्यों का जहाँ कर्म का अधिकार है, कहाँ इस लोक में, अश्विन लोक, इस लोक में मनुष्य को कर्म का अधिकार है, इसलिए भूमि प्रदक्षिणार्थम, भूमि माने इस मर्द लोक में ही जीव कल्याण कर सकता है, उसी के लिए कहा गया है। इति श्री महाभारते सहस्रयां संहितायां नैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु धर्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः।